नौ ऐसी चीज़ों से मिल के बनी है ये ड्रिंक जो कर देगी आपकी सर्दी खांसी और जुकाम को टाटा बाय बाय हमेशा के लिए हाँ जी तो अगर हमें सर्दी खांसी जुकाम होता है या गले में हल्की सी भी हमें खचखच होती है हम क्या करते हैं एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं तो वो जो एंटीबायोटिक है वो क्या करते हैं आपको सही तो कर देती है बट वो आपके इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करता है आप एंटीबायोटिक्स लेते हो आपका इम्यून सिस्टम फर्दर डाउन हो जाता है तो हम बात करेंगे कि ये जो एक ड्रिंक है जो कि एंटीबायोटिक ड्रिंक है जो आपकी सर्दी खांसी को बिल्कुल कर देगी छू मंत्र सो तो अगर हल्का सा भी गले में दर्द होता है या कुछ भी ऐसी खराश होती है तो आप तुरंत इसका एक शॉट ले लें थर्टी एम का और आप देखेंगे रात को अगर आप लेते हैं मॉर्निंग में आप बिल्कुल ठीक होंगे ज़्यादा से ज़्यादा दो शॉट लीजिए तो आइए आज हम जानते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं तो ये देखिए ये नौ वो इंग्रेडिएंट्स हैं जिनसे बनके ये मिली है तो हम इन सब इंग्रेडिएंट्स को ये ड्रिंक जो इंग्रेडिएंट्स से मिलके बनी है हमें इस इंग्रेडिएंट्स को मिक्सी में डालकर इसको सब सिर्फ पीसना है और कुछ नहीं करना तो सबसे पहले ये देखिए ये है जिंजर जो कि इसका जो कंपाउंड है जिंजरॉल सो तो वो होता है जो कि बेसिकली आपको एंटी माइक्रोबियल का वर्क करता है तो ये सारी चीज़ें सो so, ये जो जिंजर जो जिजर रॉल जिसमें कंपाउंड है तो ये जो है एंटी माइक्रोबियल है तो इसको हम मिक्सी में डालेंगे सो so, ये हमें ऑलमोस्ट वन टेबल स्पून तक लेना है इसके अलावा फिर हमें लेना है हल्दी तो हल्दी जैसे आप देख रहे हैं कि दूध में हल्दी का सॉरी इस वाले ड्रिंक में हल्दी का कलर है बट ये हल्दी का दूध नहीं है उसके जैसा दिखता है तो इसमें हमें डालनी है ये कच्ची हल्दी कोशिश कीजिए कच्ची हल्दी लीजिए जो कच्ची हल्दी का जो कंपाउंड होता है करक्यूमिन विच इज़ एंटी कैंसरस ऑल्सो और ये एंटी माइक्रोबियल है तो बहुत सारे जो भी हमारे बॉडी में क्योंकि एंटीबायोटिक्स का, का काम होता है एंट बैक्टीरिया को किल करना तो ये जो ड्रिंक है ये आपके एंटी फंगल की तरह काम करेगी एंटी वायरल एंटी माइक्रोब्स की तरह काम करेगी ये है गार्लिक तो गार्लिक में जो कंपाउंड होता है एलिसिन वो भी एंटी माइक्रोबियल होता है और ये इसमें बहुत सारे फिफ्टीन सल्फर कंपाउंड्स होते हैं जो कि हेल्प करेंगे आपके इंफेक्शन से फाइट करने में तो ये तो थे वो तीन कंपाउंड अब इसके अलावा और क्या डलेगा इसमें डलेगा ऑलिव ऑयल सो वन टेबल स्पून तक यू नीड टू एड ऑलिव ऑयल इसके अलावा हम इसमें डालेंगे एप्पल साइडर विनेगर तो एप्पल साइडर विनेगर को कैसे डालना है जो बॉटल में से आप लेंगे उसको शेक करके डालना है क्योंकि उसमें नीचे ये उसका मदर बैक्टीरिया होता है तो हमेशा बॉटल में से निकालोगे आप इसको शेक करके ऐसे निकालेंगे जिससे इसका मदर बैक्टीरिया आ जाए जो बहुत बेनिफिट है तो कोई भी एप्पल साइडर विनेगर आप लेके आएंगे उसमें मदर बैक्टीरिया होना ज़रूरी है अब इसमें हम एक अनदर इन्ग्रीडियंट लेंगे वन फोर्थ टी स्पून काले मिर्च जिसमें जी जिसमें कंपाउंड होता है पेपरिन वो भी एंटी माइक्रोबियल है उसके अलावा हम विटामिन सी के लिए हम लेंगे लेमन तो वन लेमन हमें पूरा इसमें यूज़ करना है और इसके अलावा जो हमारा इसमें रहेगा नेक्स्ट कंपाउंड वो रहेगा वाटर तो वाटर हम बाद में ऐड करेंगे अब बस हमने करना कुछ नहीं है मिक्सी में इसको चर्न करना है तो ये ड्रिंक आपने दो तीन मिनट इसे रेग, रेगुलर चर्न करनी है तो अभी मैंने प्रॉपर नहीं किया जब आप रेगुलर करोगे तो इस तरीके का हो जाएगा फिर इसमें वाटर ऐड करना है तो अप्रॉक्सीमेटली इसमें इतना ही कप थ्री फोर्थ कप आपने वाटर ऐड करना है तो आपकी ड्रिंक जो है ये बन के रेडी हो जाएगी और ये है एक तरीके से एंटीबायोटिक ड्रिंक जैसे आप लेते हैं मेडिसिन ये है एंटीबायोटिक ड्रिंक और इसको आप बना के आज ही फ्रिज में रख दीजिए क्योंकि जितना पुराना होगा उतना ही अच्छा है क्योंकि इसमें जो गुड बैक्टीरिया है जो कि एप्पल साइडर विनेगर से हैं तो वो और मल्टीप्लाई होकर इंक्रीज़ होंगे और उतना ही ये इफ़ेक्टिव होगा सो so, इसको आपने लेना है डेली भी आप ले सकते हैं वन टेबल स्पून टू तो टू टेबल स्पून अपनी इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए फॉर वन मंथ और टू मंथ उससे ज़्यादा नहीं फिर अगर आप ऐसे डेली बेसिस पर नहीं लेना चाहते तो आप इसको बना के रख लें और जब आपको हल्का सा लगता है कि आपको कॉफ़ कोल्ड ऐसा फ़ील आ रही है तो इसको फिर आप ऐसे शेक करके जब आप क्योंकि जैसे कि मैंने बताया एप्पल साइडर से उसमें माइक्रोब्स जम जाते तो इस तरीके से शेक करके आप इसको इस तरीके से ले सकते हैं ये देखिए ये थोड़ा सा इसमें थर्टी एम तक का आपने शॉट लेना है तो इस तरीके से आप लेंगे थोड़ा खट्टा होता है तो इसमें क्या होता है एप्पल साइडर विनेगर है तो जब आपने पिया ये आपके एन एम लगेगा तो उसको आपने तुरंत रिंस करना है उसके बाद तो इस ड्रिंक से आपका कॉफ कोल्ड फीवर जैसे होने वाली बीमारियां जो हैं वो छू मंतर हो जाएंगी आपको एंटीबायोटिक्स लेने की जरूरत नहीं है मैं डाइटेशन करने का करना आप सबसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ आप इस ड्रिंक को आज ही बना के रख लें सो दैट आपको अगर आने वाली जो भी एक कफ कोल्ड बीमारियाँ या वेदर चेंज से जो होता है उससे छुटकारा मिलेगा थैंक यू